हमारे हल्के के ऊपर ऐसा कैंडिडेट थोप दिया जिससे जनता नाराज है। डांडा को बीजेपी की टिकट ना दे के किसी को भी दे जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। कलैथ हल्के में जो ये पंचायत है, ये पंचायत सबका विरोध करेगी। बीजेपी का कल्ला कसूर है क्या? कसूर तो और पार्टी का भी है। कलैथ का तो बंदा भाई रामपाल माचरा भी कौन ही। हल्का के लोग पहले तो कलैथ बस स्टैंड पे आते हैं, फिर बस स्टैंड से कैथल बस स्टैंड पे जाते हैं, वहां से थ्री व्हीलर में बैठ के मंत्री की कोठी पे जाते हैं और फिर पता लगता है मंत्री तो चंडीगढ़ के लिए निकल गया। कसम खाई है जितने भी यहाँ सारे के सारे गांव से आए हुए थे कि हम कमलेश डांडा को किसी भी कीमत पे वोट नहीं दे। जयप्रकाश का विरोध है, कमलेश डांडा का विरोध है। जयप्रकाश को हिसार से MP बनाया, कितनी बार MLA बना लिया, अब बार बार उसी को थोड़ी बनाए जाएंगे। बंदा नुकवा उरा का स्टेज पे, अभी मेरी माता जी को चेयरमैन बनने से रोक दिया गया। भाई तेरा पर्सनल दुख मारे बस का नहीं है। आज मैं पार्टी में था पर समाज के बिना, गांव के बिना अधूरा होता है। सबसे ज्यादा तो कमलेश डांडा का है, कमलेश डांडा का। और हमारा आजाद कैंडिडेट सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को टक्कर देगा। अल्लाह कमलेश डांडा का विरोध क्यों करो? विरोध उन नेताओं का भी करो जिन्होंने कलैथ के लोकल बंदे ने टिकट को नहीं देने दी। कमलेश डांडा का विरोध था क्योंकि मंत्री ने 5 साल रहते हुए कलैथ की जनता की आवाज नहीं सुनी। माँ पंचायत कामयाब हुई है जी, पहली भी और दूसरी भी। इसमें फैसला लिया गया 36 बिरादरी की तरफ से, कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी जिस भी भाई का नाम रखेगी उसको आजाद कैंडिडेट बनाया जाएगा और उसको इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो ये महापंचायत क्यों रखी गई थी, क्या कारण ऐसा रहे कि महापंचायत करनी पड़ी? हमारे हल्के के ऊपर ऐसा कैंडिडेट थोप दिया जिससे जनता नाराज है, जिसने 5 साल में किसी का भी काम नहीं किया करप्शन करने के अलावा। उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया सभी जिलों में, लेकिन एक कलैथ हल्का के अंदर, कलैथ शहर के अंदर एक ऐसा मकान नहीं बनाया जिसके ऊपर आके कलैथ हल्का के लोग अपनी बात रख सके, अपनी बात सुना सके। कलैथ हल्का के लोग पहले तो कलैथ बस स्टैंड पे आते हैं, फिर बस स्टैंड से कैथल बस स्टैंड पे जाते हैं, वहां से थ्री व्हीलर में बैठ के मंत्री की कोठी पे जाते हैं और फिर पता लगता है मंत्री तो चंडीगढ़ के लिए निकल गई। इसलिए 5 साल लोग नाराज रहे और इसी बात को देखकर इस महापंचायत में इतनी जनसंख्या उमड़ी है। सबसे ज्यादा तो कमलेश डांडा का है, कमलेश डांडा का। और हमारा आजाद कैंडिडेट सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को टक्कर देगा। हमारे कैंडिडेट को हम आजाद जिता के विधानसभा में भेजने का नाम भी सामने आया, किसी का नाम भी आया। नाम काफी है, अभी नाम बताने की उसमें नहीं है। कमेटी बना रहे हैं, जो भी कमेटी जिसका भी नाम रखेगी 36 बिरादरी में से। ये नहीं है भाई किसी एक बिरादरी से, 36 बिरादरी से जिसका भी नाम सामने आएगा उसको कैंडिडेट बना दिया जाएगा। आप काफी नाम है, अभी नाम आप जाकर मत करवाओ, ये कमेटी भी छोड़ दो। 2 दिन बाद कमेटी 11 तारीख की बड़ी पंचायतों रखी है। सुरेंद्र भाई साहब, रामपाल माजरा भी मैदान में आपकी पार्टी के और कांग्रेस के जो मैदान में उम्मीदवार को टारगेट है, क्या उनका भी विरोध किया जाएगा? हम और पता क्या है, फैसला पंचायत में लिया गया है, पंचायत का जो भी उम्मीदवार होगा हम उसका समर्थन करेंगे। पंचायत हुई थी इसमें 36 बिरादरी के सारा भाईचारा, गांव गुवांडा का भाईचारा इकट्ठा होया था। वो इस बात के लिए इकट्ठा होया था कि भी कलैथ हल्के के जो लोकल बंदे हैं उनको टिकट नहीं दी गई। लेकिन इसमें कल्ला एक बात बताओ मेरे को, बीजेपी का कल्ला कसूर है क्या? कसूर तो और पार्टी का भी है। कलैथ का तो बंदा भाई रामपाल माचरा भी कौन ही, कलैथ का बंदा तो अनुराग डांडा भी कौन ही, कलैथ का बंदा तो भाई कमलेश डांडा भी कौन ही। कल्ली बीजेपी का विरोध नहीं है, यो सारी पार्टियों का विरोध है। अरिया किसी जाति विशेष की या किसी भी, अभी कोई बंदा नुकवा उरा का स्टेज पे, अभी मेरी माता जी को चेयरमैन बनने से रोक दिया गया। भाई तेरा पर्सनल दुख मारे बस का नहीं है, वो तेरे घर का मैटर है। कोई ना कोई किसी के काम में कार्य में बाधा डालता है, लेकिन ये पंचायत इस बात के लिए हुई है कि कलैथ हल्के की, जिसके नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जिसमें 36 बिरादरी वास करती है, जिस कलैथ हल्के ने इस दम पे कमलेश डांडा को इतने ऊपर पहुंचा दिया कि वो राज्य मंत्री रही। यहाँ के लोग भाई साहब नाले का पानी पीते हैं, सीवरेज का पानी पीते हैं, इस बात पे कभी ध्यान नहीं गया यहाँ के लोकल नेताओं का। लोकल नेताओं ने हमेशा उनकी चाय करी है, आजी करी है, किसी बच्चे के कागज नहीं गए, किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट नहीं गए कभी, मैडम जी यहाँ लगवा दो वहाँ लगवा दो। आज ये फैसला विरोध विरोध कमलेश डांडा का, मैं ये बात कह रहा हूँ जी, कल्ला कमलेश डांडा का विरोध क्यों करो? विरोध उन नेताओं का भी करो जिन्होंने कलैथ के लोकल बंदे ने टिकट को नहीं देने दी। और पार्टी नहीं है क्या? और पार्टी भी है, नेशनल लेवल की भी है, राज्य स्तर की भी पार्टी है, गाम राम है, छत्ती बिरादरी है, पत्रकार बंधु है। इस महापंचायत से आज ये निष्कर्ष निकला है, मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कमेटी बनी है। अब ये कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी
कि किस कैंडिडेट को आजाद उतारा जाएगा, और जिस कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगेगी, जिस कैंडिडेट का चाल चलन मेहनत अच्छी होगी, उस कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगेगी, और पूरा गांव गुआंड जितने भी कलायत हल्के के अंदर गांव आते हैं तन मन धन से उसके साथ होंगे। पंचायत के फैसले से आज मैं आज पंचायत के फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन ये संतुष्टि और भी ज़्यादा हो जाएगी जब किसी ऐसे कैंडिडेट को चुना जाएगा जो अपने तन मन धन से समाज के लिए काम करता हो। नहीं, यहाँ किसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दी जाएगी, उस उम्मीदवार को वोट दी जाएगी जिसको छत्तीस बिरादरी इकट्ठा करके इकट्ठे होकर खड़ी करेगी, आजाद के तौर पे खड़ी करेगी। ठीक है जी। और महापंचायत में जो फैसला लिया है, कांग्रेस का भी विरोध है, बीजेपी का भी विरोध है, जयप्रकाश का विरोध है, कमलेश डांडा का विरोध है, सभी पार्टियों का विरोध है, क्योंकि आज तक यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। तो महापंचायत ने फैसला लिया है कि वो अपना आज़ाद उम्मीदवार उतारेगी, और आज़ाद उम्मीदवार उतार के अपने तन मन धन से उसको जिताएगी और उसको विधानसभा में पहुँचाएगी चंडीगढ़। बिल्कुल दे पाएंगे महापंचायत, क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। या यहाँ एक बात ना हो, चाहे जयप्रकाश है चाहे कमलेश डांडा है, क्यों भाई और लोग यही हल्के में नहीं रहते, सिर्फ क्या यही लोग रहते इस हल्के में रहते हैं। जयप्रकाश को हिसार से एमपी बनाया, कितनी बार एमएलए बना लिया, अब बार बार उसी को थोड़ी बनाए जाएंगे, और भी लोग यहाँ रहते हैं उनका भी नंबर उड़े। अभी किसी का नाम नहीं हो तो कमेटी बनावेंगे, कमेटी उसका एक आदमी का नाम फाइनल करेगी और महापंचायत उसको प्रपर समझौता देगी। अभी लिखे जा रहे हैं हर गाँव से, छत्तीस बिरादरी से जो भी आदमी कैंडिडेट बनना चाहेगा उनके नाम लिखे जाएंगे, वो कमेटी उसका फैसला करेगी कि कैंडिडेट किसको बनाया जाएगा। रोक दिया कि कमेटी बना दी गई आज, तो उस कमेटी में फैसला करके और एक या दो दिन में सारी पंचायत को बुला के उसका फार्म भरा जाएगा। तो क्या आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा? बिल्कुल आजाद उतारा जाएगा। तो तमाम जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका जो है वो विरोध यहाँ पर किया जाएगा? बिल्कुल, मैं कलायत हल्के में जो ये पंचायत है, ये पंचायत सबका विरोध करेगी और पंचायत उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। आप ही भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन आप महापंचायत का हिस्सा बने तो भाजपा का? देखिए, भाजपा में पार्टी में था, पर समाज के बिना, गांव के बिना अधूरा होता है। जो गांव का फैसला वो सिर माथे मेरे लिए। नहीं, आज पांच सात जो नाम है उनमें जो कमेटी बनाई है ना, उनमें से एक नाम चुन के दो या तीन दिन के अंदर उसका फॉर्म भरवाने का काम करेगा। आप भाजपा से कमलेश डांडा को टिकट दी गई तो क्या इसका विरोध किया जाएगा आपको? ये आपके सामने ही है विरोध, सारे ये विरोध के उसमें ही इकट्ठे हुए हैं। नरेश डांडा किठाना है जी। अच्छा डांडा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज महापंचायत, क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्यों की गई? पंचायत ली गई थी जी कि बीजेपी के जितने टिकटार्थी थे, हाँ भाई, सबका मना करने के बाद भी सारी हल्के के छियास के छियास ग्राम ने मना किया था कि कमलेश डांडा को टिकट ना दी जाए, तो पार्टी ने मतलब पब्लिक से ऊपर होकर टिकट दी गई है। हाँ भाई, सबकी ये ग्राउंड रिपोर्ट भी ये थी कि यहाँ पर सारे के सारे सिवाय मिशन खोरी के उसने कुछ नहीं किया है, और नवीन जिंदल इलेक्शन में भी उसने विरोध ही किया, वोट कहीं दिलवाए गए हैं। इसी वजह से नवीन जिंदल के यहाँ 14,800 वोटों से हार हुई थी, कि जितना भी उसका ग्रुप है किसी ने भी एक पर्ची नवीन जी को नहीं दी थी। इसलिए सबने जितने भी 8-10 जने टिकटार्थी थे उनकी सबकी एक ही डिमांड थी कि कमलेश डांडा को बीजेपी की टिकट ना दे, किसी को भी दे जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है कलायत के अंदर और कोई काम नहीं किया है। तो क्या सिर्फ बीजेपी पार्टी का कमलेश डांडा का विरोध रहेगा या कांग्रेस, जेजेपी या अन्य दल के जो उम्मीदवार आएंगे उनका विरोध? नहीं, बीजेपी का विरोध नहीं है जी, कमलेश डांडा का विरोध है। सारी की सारी पंचायत अब इकट्ठी हो रही थी, उसने एक ने कसम खाई है जितने भी यहाँ सारे के सारे गाँव से आए हुए थे कि हम कमलेश डांडा को किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे रही, या तो पार्टी टिकट बदले। लेकिन नहीं, इसमें सभी है जी, राजपूत भी थे, मैं जाट भी हूँ, पंडित भी हैं, हर छत्तीस बरादरी की पंचायत थी जी, ये सारे हल्के से आए हुए थे। ये सारा मतलब एक यहाँ पे एक कसम खाई गई है कि जितनी आ रहे हैं कि वो सारे कमलेश डांडा को कोई पर्चे नहीं देगा। पंचायत में आए और अन्य नेता भी ये कह रहे हैं कि हम आजाद उम्मीदवार उतारेंगे और उनका समर्थन उनके साथ देंगे, पार्टी के साथ नहीं। हाँ जी, अब दोबारा एक बार पंचायत होगी, हम कमलेश डांडा को तो वोट देंगे नहीं, या तो बीजेपी पार्टी टिकट बदल दे तो उसके बारे में सोचा जाएगा, वरना दोबारा से पंचायत इकट्ठी होगी, उसमें अपना एक कैंडिडेट आजाद उम्मीदवार उतारा जाएगा। जो सर्व समाज की 36 बिरादरी की पंचायत रखी गई थी उसके अंदर निर्णय अभी वेट किया जाएगा, जो कांग्रेस है, जेजेपी है या
आप है उन पार्टियों का वेट किया जाएगा टिकटों का, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या फैसला ले, कमेटी ही फैसला लेगी, कमेटी बनाई गई। इसका निर्णय कमेटी लेगी। हाँ जी, तो विरोध क्यों हुआ, क्यों महापंचायत रखी? देखो, जो बीजेपी सरकार थी उसने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, खिलाड़ियों के ऊपर लाठियां बरसाई, जवानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। बीजेपी सरकार ने 700 किसानों को शहीद करवाने का काम किया है। जाट आरक्षण जैसे समाज के पार्टी का विरोध किया, उम्मीदवार का विरोध किया जाए या तमाम पार्टी के उम्मीदवार, ये कमलेश डांडा का विरोध था क्योंकि मंत्री ने 5 साल रहते हुए किलायत की जनता की आवाज नहीं सुनी, जनता को लूट खाया, किलायत हल्के को लूट खाने का काम किया है, 4 लोगों के द्वारा ही किलायत को चलाने का काम किया, ना कि पूरे हल्के का सहयोग लेकर किलायत को चलाने का काम किया। जितने भी काम किए कमलेश डांडा ने, एक भी काम नहीं किया। जहां बिजली बोर्ड में जाए किसान जावा ट्रांसफॉर्म सड़के ट्रांसफॉर्म नहीं दे रहा, बोले कैथड़ जाओ, कैथड़ से बोले तितर में जाओ, एक भी काम नहीं किया। कम से कम 20 गांव में ट्रांसफॉर्म सड़ रहे थे, बेचारे किसान रोने लग गए, भाई हमने ट्रांसफॉर्म नहीं मिलता। तो आज क्या फैसला लिया? आज फैसला लिया है कि कोई भी उम्मीदवार निर्दलीय उठेगा उसकी सपोर्ट भी करेंगे और पैसे भी देवेंगे, खर्चा भी लावेंगे, गाड़ी भी दौड़ेंगे, मंत्र दान भी करेंगे, पैदल भी चलेंगे, दिन रात एक कर देंगे निर्दलीय खतर, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, छत्ती बरादरी में भाईचारा निर्दलीय कोई भी उसके साथ हैं।